जानवी, जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था राजस्थान में तो श्री मैम भी वहाँ पे थे, आप किस तरीके से याद करते हैं? और आज का काफ़ी अहम दिन है, पापा भी आए हैं, फैमिली भी आई है, हाउ यू गोना डेडिकेट दिस? I definitely miss her today. Yeah, we'll give it to that. नमस्कार, आप सबको, आपके लेफ्ट साइड, हाँ जी, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत सारी शुभकामनाएं। जानवी, आपसे ही सवाल है, हम लोग ये बहुत जानना चाहते हैं कि कौन सी श्री जी की टिप्स हैं या एडवाइस हैं जो आप अपने करियर में आगे ले जाएंगी, क्योंकि आप अब जो कहते हैं ना कि वो झलक जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे आगे देखेंगी, क्या टिप्स आप उनके याद रखेंगी अपने एक्टिंग करियर में? फर्स्टली थैंक यू। द बिगेस्ट एंड आई थिंक द मोस्ट हेल्पफुल टिप दैट शी इज़ गिवन मी इज़ टू वर्क हार्ड एंड फील एवरी इमोशन, एंड आई थिंक दैट आई हैव ट्राइड टू डू दैट, सो या। एंड ईशान और जानवी, एक और सवाल है, धड़क जो है वो कहते हैं ना कि दिल, दिमाग और जान, ये सारे कुछ कुर्बान कर देने वाली एक प्रेम कहानी है। आप दोनों यंग हैं, हैपनिंग हैं, आप लोग प्यार को किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोग मर मिटने वाले प्यार पे यकीन करते हैं? भारी सवाल पूछा। नहीं, कैरेक्टर ही ऐसा है, हम सबको पता है कि सैराट किस तरह की फिल्म है, कैसे वो लोग प्यार में कितने हद तक जा सकते हैं। आप लोग दोनों यंग हैं तो ये सवाल आप लोगों से तो बनता ही है। ऐसा नहीं, मेरी उम्र में भी लोग मर मिट सकते। तो ये जानवी, सिर्फ जवान लोगों पर हक नहीं है प्यार पे। बिल्कुल, मेरा भी हक है, आपका भी है। तो आप क्या मर मिटेंगी प्यार? बिल्कुल, मैं मर मिट चुकी हूँ, मतलब हम दिल दे चुके। अच्छा जी, तो जानवी और ईशान, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप लोग प्यार को किस तरह से देखते हैं? लव, आइडिया ऑफ लव या लव, क्या डेफिनेशन है? लव इज फ्रेंडशिप, बोल दो। लव इज फ्रेंडशिप, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती।